मैं हूं प्रियंका राव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए मंत्रिमंडल गठन पर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। जेपी नड्डा की आवाज पर बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा की आवाज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि दिया कुमारी और यहां पर साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, बीएल संतोष, अर्जुन राम मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। तो चर्चा लगातार जारी है मंत्रिमंडल में, किन्हें शामिल किया जाए इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। कौन होंगे भजनलाल शर्मा के सिपह सलाहकार, इसे लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें कई बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो साथ ही साथ यहां पर भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो उससे पहले मुलाकातों का दौर चला। राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जब नेता जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच रहे थे, एक एक कर कई दिग्गज नेता जिनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे, सीपी जोशी सहित प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और यहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। तो अब बैठक चल रही है और देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो नामों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया, फिर चाहे बात हम भजनलाल शर्मा की करें जिन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया, तो साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम की, तो यहां पर सोशल इंजीनियरिंग देखा जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी मिशन 2024 को लेकर मंत्रिमंडल भी बना सकती है। मंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा जो अलग अलग वर्गों से होंगे, अलग अलग कास्ट और अलग अलग क्षेत्रफल से मिशन 2024 को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी। हालांकि जब नामों का ऐलान होगा तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, चिंतन और मंथन का दौर जारी है और बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि हो सकता है इसके बाद पता चल जाए कि मंत्री कौन कौन बन रहा है। बिल्कुल, इसीलिए करीब डेढ़ घंटे का मंथन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुआ और ये बैठक का समापन अब हो गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक से शिरकत कर बाहर निकल रहे हैं। उस गाड़ी में उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। काफी महत्वपूर्ण मंथन हुआ है मंत्रिपरिषद को लेकर। ये देखिए, राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जस्ट यहां से रवाना हुए हैं। हाँ। और वाहनों के निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये जो बैठक है करीब डेढ़ घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही थी, जिसका नेतृत्व बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सतीश पुनिया भी इस बैठक से निकल चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि मंत्रिपरिषद की शक्ल क्या हो प्रियंका, मंत्रिपरिषद में किन किन लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। पार्टी चाहती है कि तमाम जाति बिरादरियों को साधा जाए, पूरी सोशल इंजीनियरिंग की जाए, सभी समीकरणों को साधा जाए, ये पार्टी का फोकस है। इसलिए पार्टी तमाम तबकों को इस मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहती है और इसीलिए तमाम जो राजस्थान के कोर ग्रुप के नेता हैं, इन्हें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, जो कि पूरी लिस्ट तैयार करके आए हैं, पूरी रणनीति के साथ आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि किन्हें मंत्री बनाने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो हो गई। इसके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ मंत्री परिषद प्रभावी रूप से काम कर सके, रिजल्ट डिलीवरिंग मंत्री परिषद हो, ये बीजेपी आलाकमान चाहता है। क्योंकि पिछले 5 साल बतौर विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर घेरा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को, तो उन तमाम मुद्दों पर काम किया जाए, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया चुनाव में, महिला अत्याचार दलित उत्पीड़न को बड़ा मुद्दा बनाया गया। ऐसे में पार्टी निश्चित रूप से चाहेगी कि अगले 6 महीने में ही ऐसा प्रदर्शन किया जाए, ऐसी तस्वीर दिखाई जाए राजस्थान में कि अब जो गवर्नेंस
भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है वो काफी प्रभावी है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा, क्योंकि अगर जो विफलताएं पिछले 5 साल में अशोक गहलोत सरकार की गिनाई थी अगर वो देखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक घेरती नजर आएगी। क्योंकि विधायक दल जो कांग्रेस पार्टी का सदन में है वो काफी मजबूत और प्रभावी है, करीब 70 MLA कांग्रेस के जीत कर आए हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी होगी कि कैसे विपक्ष के सामने अपने कामकाज को प्रूव किया जाए, बेहतरीन तरीके से काम किया जाए, ये पार्टी का उद्देश्य होगा। देखिए तमाम नेताओं को निकलने का सिलसिला जारी है, प्रभारी अरुण सिंह इस बैठक से शामिल होकर इस बैठक में हिस्सा लेकर निकले हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार अरुण सिंह नहीं है। अरुण सिंह ने हाथ हिला दिया है और अरुण सिंह निकल रहे हैं इस बैठक में, हिस्सा इन्होंने लिया क्योंकि महत्वपूर्ण ये बैठक थी कि मंत्री परिषद में कौन कौन चेहरे शामिल हों। ये पार्टी चाहती है कि उन तमाम लोगों को शामिल करवाया जाए जो कि सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाने के साथ साथ प्रभावी सरकार चला सके, प्रभावी गवर्नेंस दे सके, ये पार्टी चाहती है। महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, बीजेपी का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिन नेताओं ने पिछले 5 साल सरकार लाने के लिए मेहनत की है, जिन नेताओं ने ग्राउंड पर अपनी प्रेजेंस शो की है और साफ तौर पर जो कि जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, ऐसे विधायकों को, ऐसे नेताओं को मंत्री परिषद में शामिल करवाया जाए, ये पहला और आखिरी उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि रिकमेंडेशन संघ परिवार की भी मानी जाएगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी मानी जाएगी और फिर आलाकमान जो तय करेगा, इस बैठक में जो तय हुआ होगा उसके आधार पर ही मंत्री परिषद राजस्थान में दिखाई देगा। क्योंकि पार्टी नहीं चाहती किसी प्रकार की कोई कमी रहे, किसी प्रकार की कोई चूक हो जाए, तमाम तबकों को साधना पार्टी चाहती है, इसलिए तमाम राजस्थान के कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया जेपी नड्डा के आवास पर। बैठक भी हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भी बुलाया गया जो कि अपना होमवर्क पूरा कर आए थे कि आखिरकार किन्हें मंत्री परिषद में मंत्री पद से नवाजा जाए और जिन्हें मंत्री पद देने से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में लाभ हो। इसलिए तमाम तरीके की कवायद पूरी की गई है और इस बैठक के बाद अब कभी भी बीजेपी राजस्थान में अपने मंत्री परिषद का ऐलान कर सकती है। प्रियंका, तो तीन बड़ी बातें लखवीर जो आपने बताई। सबसे पहला ये कि मिशन 2024 को नजर में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन किया जा सकता है, सोशल इंजीनियरिंग की जा सकती है। दूसरी बड़ी बात आपने ये बताई कि जिस तरीके से बीजेपी ने पिछली सरकार को घेरा कांग्रेस को कई मुद्दों को लेकर, तो 69 विधायक कांग्रेस के भी, ऐसे में विपक्ष हमलावर ना हो इसे लेकर ऐसे मंत्रियों का चयन करना होगा जो एक्सपीरियंस्ड हो और अच्छी तरीके से सरकार चला सके। और तीसरी बड़ी बात यह भी है कि 5 सालों तक जिन्होंने मेहनत की उनको भी जगह देनी है, तो ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। ये भी हो सकता है लखवीर कि कुछ लोगों को मनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व में मौका दे दिया जाए, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। देखिए ये तो फिलहाल कयास है कि किन्हें संतुष्ट करने के लिए केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए या फिर राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए, ये बात के विषय है, बात का बात है। लेकिन पहला उद्देश्य है कि मंत्री परिषद में किन नेताओं को शामिल करवाया जाए, ये पार्टी के सामने बड़ा टास्क कौन है। कौन से नाम लखवीर रेस में चल रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसे कि गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये वो बड़े डिपार्टमेंट हैं जिन पर सबकी नजर है, इसे लेकर कुछ नाम चल रहे हैं क्या चर्चाओं में? बिल्कुल, मैं इस पर आ ही रहा था प्रियंका कि करीब 1-1.5 दर्जन से ज्यादा वो नाम है जो कि सुर्खियों में है, जो कि संभावित मंत्री परिषद में हो सकते हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जब भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो किसी ने सोचा नहीं था जो 1 दर्जन नाम चर्चाओं में थे, सियासी गलियारों में जिन पर कयास लगाए जा रहे थे, उनमें भजनलाल शर्मा का नाम था भी नहीं। मोदी अमित शाह की जोड़ी ने चौंकाया और ऐसा चौंकाने वाले फैसले मंत्री परिषद में भी देखने को मिल सकते हैं जब मंत्रियों का चयन किया जाएगा। हालांकि जो नाम आप जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन वो चेहरे संभावित तौर पर हो सकते हैं जो मंत्री परिषद में देखने को मिल सकते हैं, किन नामों की चर्चाएं हैं, तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल मीणा, महंत बालकनाथ योगी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, हमीर सिंह भायल, महंत प्रताप पुरी,
जोगेश्वर गर्ग, जितेंद्र गोठवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विक्रम सिंह जाखल, ये वो तमाम नाम हो सकते हैं जिन्हें मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है, इन नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि साफ तौर पर चौंकाने वाले फैसले भी हो सकते हैं, इस बात से कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पार्टी चाहती है कि वरिष्ठता को मौका दिया जाए, अनुभव को मौका दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी का उद्देश्य है युवा प्रतिनिधित्व पर, पार्टी का उद्देश्य है महिला प्रेजेंस पर भी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भले ही दिया कुमारी को बना दिया गया हो, लेकिन महिला मंत्री भी अच्छी खासी तादाद में बनाई जाए, ये पार्टी चाहेगी। और उसके साथ युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, जो कि बीजेपी का फोकस भी है कि अगले डेढ़ दशक तक राजस्थान में बीजेपी की धमक दिखाई दे, और जो हर पांच साल में सत्ता में परिवर्तन होता है राजस्थान में, जो परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ा जाए, उसको सेंटर रखते हुए, उसको सेंट्रिक मानते हुए ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मंत्री परिषद का ऐलान करेगी, ताकि जो भी मंत्री बनाए जाए उनकी जनता में प्रेजेंस हो, काफी प्रभावी तरीके से वो जनता के बीच में उनको रेस्पॉन्स मिल सके, कनेक्ट कर पाए, इस प्रकार का मंत्री परिषद एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं मंत्री परिषद में, संभवतः इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि पहली बार विधायक बने लोगों को भी मंत्री परिषद में तरजीह दी जा सकती है। ऐसे में वो विधायक कौन होंगे जिन्हें पहली बार विधानसभा जाने का मौका मिला है और वो मंत्री परिषद में शामिल हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल लखवीर, क्योंकि पहली बार विधायक बनने के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। ऐसे में अब सभी विधायकों को ये उम्मीद जरूर होगी लखवीर कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। आपने अलग अलग फॉर्मूला बताए जिसके बिहाफ पर बीजेपी मंत्रिमंडल का गठन कर सकती है, जिसमें आपने ये भी बताया कि युवाओं से लेकर महिलाओं को भी साधने की कोशिश की जा सकती है। अब सवाल ये है लखवीर कि सभी विधायकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। न केवल दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है प्रियंका, बल्कि तमाम विधायक चाहते हैं कि जब मंत्री परिषद का ऐलान हो तो उनका नाम मंत्री परिषद में शामिल हो। ये तमाम विधायक, ये देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शामिल होकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल इस बैठक में शरीक हुए थे, अब वो जेपी नड्डा के आवास से रवाना हो गए हैं, और तमाम जो नेता जो अभी भी जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं वो भी एक एक कर अब यहाँ से रवाना होंगे और निकलेंगे। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हो, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो, ये नेता निकल चुके हैं, अर्जुन राम मेघवाल निकल चुके हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत अभी अंदर मौजूद हैं, विजया राहटकर अंदर मौजूद हैं, कैलाश चौधरी अभी अंदर हैं, दिया कुमारी अंदर हैं, ये तमाम लोगों के बाहर आने का भी इंतजार है। हालांकि अगर इनमें से कोई नेता प्रतिक्रिया दे तो भी हम देखेंगे कि आखिरकार ये अगर बाहर निकले तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजस्थान में मंत्री परिषद के लिए क्या फॉर्मूला पार्टी ने तय किया है, किन लोगों पर दांव खेलने जा रही पार्टी, मंत्री परिषद में किन लोगों को शामिल करवाया जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, नेताओं की बड़ी फौज है। ऐसे में साफ तौर पर तमाम तरीके के रिकमेंडेशन आ रहे हैं, पार्टी काडर की तरफ से भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं, संघ परिवार का भी रिकमेंडेशन है, आलाकमान की भी अपनी पसंद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी अपनी स्वाभाविक तौर पर पसंद होगी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की भी अपनी पसंद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी पसंद है। ये देखिए, ये कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी निकल रहे हैं, उनका ये वाहन है, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में शिरकत करके कैलाश चौधरी यहाँ से निकल रहे हैं, बातचीत करेंगे। कैलाश जी निकल रहे हैं, ये देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में शामिल होकर निकल रहे हैं, और हालांकि बात नहीं कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में शामिल होकर निकले हैं। लखवीर, कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, और ठीक वैसे ही हमने उस वक्त भी देखा था लखवीर, जब विधायक दल की बैठक हो रही थी और ये पता चलना था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा, क्योंकि हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं और बात ये भी हो रही है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले भी ले सकती है।
लेकिन बात इस पर भी करनी होगी लखवीर, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रही पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़े हैं, एक बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के सामने कि सुशासन की सरकार ला कर दे। और ऐसे में गृह मंत्री किसे बनाया जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी निश्चित रूप से तमाम जो नेता बाहर निकले वो साफ तौर पर बातचीत करते नजर नहीं आए, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होती है, जो अपेक्षित व्यक्ति है वही बयान दिया करते हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी खुद बिना बातचीत करे चले गए। अब जहां तक आप बात कर रही हैं कि किन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, अगर जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा उनका पहला दायित्व क्या होगा, पहला उद्देश्य क्या होगा, तो जो पहले मैंने कहा कि पिछले 5 साल जिन मुद्दों पर संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिन मुद्दों की विफलताएं गिनाई, जिन विषयों की विफलताएं अशोक गहलोत सरकार की गिनाई और जिनके आधार पर सत्ता में वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें कैसे प्रभावी रूप से पूरा किया जाए, उन पर कैसे कामकाज हो, ये पार्टी का उद्देश्य है। और इसी की शक्ल में मंत्रिपरिषद दिखेगा अभी, क्योंकि दलित उत्पीड़न, महिला अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनके आधार पर मुखरता से भारतीय जनता पार्टी सूबे की अशोक गहलोत सरकार को पिछले 5 साल घेरती थी जब विपक्ष में थी। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो निश्चित रूप से इन तमाम विषयों पर काम करके दिखाना होगा अगले 6 महीने 1 साल में ही, ताकि प्रदेश की जनता के बीच में विश्वास पैदा किया जा सके जिसके आधार पर इन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं जहां तक आप गृह मंत्री की बात कर रही हैं, गृह मंत्रालय के लिए पूछ रही हैं कि किसे मंत्री बनाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से या तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं गृह विभाग अपने पास रखेंगे, नहीं तो किसी वरिष्ठ विधायक को, किसी वरिष्ठ नेता को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि गृह मंत्री कौन हो बन सकते हैं ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा को भी बनाया जा सकता है, 5 बार के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी हो सकते हैं, कालीचरण सर्राफ भी हो सकते हैं, अन्य किसी चेहरे पर भी दाव खेला जा सकता है, तो ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से ये तो इतना तो कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय या तो खुद भजनलाल शर्मा रखेंगे, नहीं तो किसी वरिष्ठ विधायक को गृह मंत्री बनाया जाएगा, ताकि सूबे की जो कानून व्यवस्था है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके और प्रभावित रूप से कानून व्यवस्था को बनाए के रखा जा सके, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो ये बीजेपी चाहेगी। क्योंकि हमने देखा भी कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने पहला उद्देश्य, पहला काम का उद्देश्य ही कानून व्यवस्था पर रखा। और पिछले करीब 7-7.5 साल में हमने देखा भी है, जब से उनकी सरकार बनी है, प्रभावी रूप से कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम वो कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का मॉडल राजस्थान में लागू किया जाए, ये बीजेपी की राजस्थान सरकार चाहेगी और इस मॉडल पर आगे बढ़ना भी चाहेगी। हालांकि क्या पूरी तर्ज पर देखने को मिलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले भजनलाल शर्मा ने, तो उन्होंने निश्चित रूप से उन्हीं तमाम चीजों पर जिक्र किया, उन्हीं तमाम चीजों को टच किया जो कि सरकार में आने के लिए कारगर साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं तमाम चीजों पर फोकस किया गया था। लेकिन अब चूंकि सरकार आ गई है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है, इंतजार है तो सिर्फ मंत्रिपरिषद का कि मंत्रिपरिषद का गठन कब होगा और मंत्रिपरिषद में कौन कौन नेता शामिल होंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात है। लेकिन इसी लिहाज से, इसी को लेकर, इसी के मद्देनजर महत्वपूर्ण मंथन जेपी नड्डा के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में प्रदेश कोर ग्रुप के साथ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी थे, प्रभारी अरुण सिंह थे, सह प्रभारी विजया राहटकर थी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया थे। ये तमाम वो दिग्गज नेता, तमाम नेताओं का नाम भी आप गिना रहे हैं जो इस बैठक में मौजूद रहे। तकरीबन 1.5 घंटे तक चर्चा चली। अब सवाल ये है कि क्या फॉर्मूला निकाल लिया गया है मंत्रिमंडल गठन के लिए? आप नजर बना रखिएगा लखवीर, क्योंकि कुछ नेता अभी भी अंदर ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए।